बातचीत दास्तां। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं दीपक राजपूत और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ आज फिर से एक बार शुक्रवार के शुक्रवार रात सॉरी 8 से 9 बजे तक आपका ये प्रोग्राम जो है लाइव विद टीम अरोड़ा आवाज एंटरटेनमेंट के माध्यम से। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम हर हफ्ते जैसे कोई ना कोई टॉपिक जो है वो लेकर आते हैं। आज भी हम एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो है हाउस जीटीए रियल एस्टेट मार्केट बेनिफिशियल फॉर यू राइट नाउ टू बाय। सो हमेशा की तरह हमारे साथ आज फिर से जुड़ चुके हैं टीम अरोड़ा के ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोड़ा जी और प्री कंस्ट्रक्शन से हमारे साथ जगजीत ज्योत और रीसेल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिनेश अरोड़ा जी। परवीन जी क्या कहना चाहेंगे? दीपक, मेरी तरफ से आवाज के सभी ही व्यूअर्स को सलाम अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और जैसे हम एवरी वीक कोई ना कोई डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, तो आज भी हम ये मार्केट के बारे में बात करेंगे कि बायर्स कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, और इसके साथ कुछ आपके साथ ऐसी ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे आज जो मार्केट में काफी अच्छी डील्स भी हैं। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के दौरान, और हम कोशिश करेंगे कि आपको उस क्वेश्चन का प्रॉपर जवाब दे पाए। जी, जैसे कि प्रवीण जी ने कहा हमें कॉल कर सकते हैं अगर लाइव आपका कोई भी क्वेश्चन, हम कोशिश करेंगे उसको जवाब दे पाए। उसके लिए हमारे स्टूडियो के नंबर है 6474840018, या आप हमें हमारे अगर शो के बाद कॉल करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस का नंबर है 4169108923। सो प्रवीण जी, जैसे कि आज थोड़े दिनों में जैसे ट्रूडो जी ने कहा है कि जो प्रॉब्लम है हाउसिंग क्राइसिस जो हम फेस कर रहे हैं वो फेडरल का इशू नहीं है, वो मोस्टली ज्यादा जो इशू है वो म्युनिसिपल या प्रोविंशियल इशू है, वो हमारा इशू नहीं, वो इसमें पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है दीपक? देखो, अगर तो फेडरल गवर्नमेंट ये बात कहे कि भी ये जो हाउसिंग क्राइसिस शुरू हुआ है जिसमें ये प्रॉब्लम आई है, और आज हम आगे चल के बात करेंगे कि आज की मार्केट में बायर इस चीज का कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, तो वो ये नहीं है कि वो फेडरल गवर्नमेंट का उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नो डाउट कि जो इन्वेंट्री है घरों का, जो अपने क्या कहते हैं डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, वो म्युनिसिपल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल की जो पॉलिसीज हैं वो उसमें काफी मैटर करती हैं। बट इसके साथ जो इन्फ्लेशन का पार्ट है उसके लिए इंटरेस्ट रेट को जो बढ़ाना है उसमें फेडरल गवर्नमेंट है वो काफी बड़ा पार्ट प्ले कर रही है। नो डाउट जो बैंक ऑफ कैनेडा है उसका एक अपना रोल है, उसको ये देखना है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप दीपक उठाया जाता है वो यही उठाया जाता है कि हम मार्केट में लोगों की बाइंग पावर को कम करें। जी ठीक है, जब लोगों की बाइंग पावर कम होती है तो तभी इन्फ्लेशन है वो नीचे आती है। जी। अब लोगों की बाइंग पावर कम करने के लिए हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया, और वो इतनी तेजी से बढ़ाया कि बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्ट रेट हो गया कि लोगों की अब जैसे कह लीजिए कि काफी मतलब उनकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो गई चीजें। बट एट द सेम टाइम मार्केट में लोगों की बाइंग पावर काम करने के साथ साथ जो फेडरल गवर्नमेंट नेगेटिव पार्ट प्ले कर रही है वो ये पार्ट प्ले कर रही है कि वो खुद मार्केट में पैसा पंप कर रही है। जी। एक तरफ हम लोगों को पुश कर रहे हैं कि वो अपनी बाइंग पावर कम करे, मार्केट में पैसा कम आए, दूसरी तरफ वही गवर्नमेंट मार्केट में पैसा पंप कर रही है। तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट भी इस चीज में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही? बैंक ऑफ कनाडा ने इन्फ्लेशन के नंबर्स को देखकर इंटरेस्ट रेट को चेंज करना है, ठीक है, वो उसके बेसिस पे काम करते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना पार्ट कर रही है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट है, उनका पार्ट है जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, उसको रेगुलेट करना, उसके बारे में पॉलिसी डिसाइड करना। हम मानते हैं कि वहां पे पास्ट में काफी फ्लॉज रहे हैं, हालांकि अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट और म्युनिसिपल लेवल पे काफी काम हो रहा है इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, बट इतना जो इतने टाइम का गैप है उसको एक टाइम लगना है उसको मेकअप करने के लिए। बट एट द सेम टाइम अपने जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रही है इस चीज में, मार्केट में मनी पंप करके जो इन्फ्लेशन को फिर नहीं कंट्रोल होने दे रही, और उसके बाद लोगों का जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो लोगों को प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आ रही है। जी प्रिंसिपल, इसमें एक चीज है, ये तो चलो एक इशू हो गया इंटरेस्ट रेट का। हाँ जी, अगर हम बात करें इन्वेंटरी की, क्योंकि हम आज भी इन्वेंटरी से ही जूझ रहे हैं, बिल्कुल, हाउसिंग की जो सप्लाई है वो काफी आज भी कम है, बिल्कुल, जो हमारा 2 साल पहले इनका गोल था आई थिंक उससे भी ये 60-65 हजार के करीब हर या साल के शॉर्टेज में ही चल रहे हैं।
बिल्कुल, तो वो स्पीड आपको नहीं लगता कि जो प्रोविंशियल लेवल पे या सिटी लेवल पे उसमें कुछ चेंजेस पहले आनी चाहिए, जब उसमें तो फेडरल का कोई है ही नहीं हाथ? नहीं देखो, उसमें चेंजेस आनी चाहिए थी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम वहां पे भी है। मतलब ऐसी बात नहीं कि म्युनिसिपल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे भी पॉलिसीज में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वहां पे भी है, प्रॉब्लम फेडरल लेवल पे भी है। जो तीनों की तीनों सरकारें हैं वो तीनों ने ये प्रॉब्लम है वो क्रिएट की है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि हाँ जी हमारा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अपने क्या कहते हैं म्युनिसिपल लेवल पे ही है, जहाँ म्युनिसिपल लेवल वाले बोल दे कि नहीं जी ये फेडरल का और जो प्रोविंशियल का ही है, इन तीनों की तीनों सरकारों ने कंट्रीब्यूशन किया है इस प्रॉब्लम में और लोगों को इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में लेकर आने के लिए। सो बेसिकली होना ये चाहिए कि तीनों अगर एकजुट हो जाए और तीनों एक चीज को प्लान करके चले तो शायद कोई ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है अगर वो चाहें, बट मुझे जो लग रहा है कि शायद सरकार इस चीज को इतना सीरियसली ले ही नहीं रही है। सरकार तो लग रहा है कि कोई बात नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते चलो, लोग पे कर रहे हैं, क्या करेंगे, चाहे अपनी और चीजों को कम करेंगे पर मॉर्गेज की पेमेंट तो करेंगे, तो वो मतलब इस चीज के ऊपर कुछ ज्यादा सीरियस मेरे हिसाब से थॉट्स दे नहीं रही और ना ही इसके ऊपर कुछ ज्यादा सीरियसली कोई एक्शन हो रहा है इस चीज के ऊपर। मगर आप ये देखिए कि जो प्रोविंशियल इमिग्रेशन इतनी ज्यादा हो रही है, ये इस प्रॉब्लम को तो और ज्यादा बढ़ाएगी, क्योंकि हर बंदे को घर तो चाहिए, छत तो चाहिए अपने रहने के लिए। देखो इमिग्रेशन होनी दीपक बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो कंट्री है, इस कंट्री में इसकी इकोनॉमी को चलाने के लिए इमिग्रेशन का होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ की जो एक्चुअल पॉपुलेशन है, जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो नेगेटिव में है, तो इसलिए इमिग्रेशन तो जरूरी है। यस, इमिग्रेशन के साथ साथ जो बाकी चीजों को इम्प्रूव करना है सरकार को उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अभी मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, कल हम एक दूसरे शो में भी ये बात कर रहे थे कि जब मैं कनाडा में आया था आज से 24-25 साल पहले, तो बात होती थी कि अगर आप नए हो आप रेंट पे बेसमेंट ले लो, ठीक है जी, बेसमेंट जब आप बेसमेंट रेंट पे ले लेते थे, या कोई अपार्टमेंट, अब बेसमेंट भी कम होती थी, रेंटल अपार्टमेंट ज्यादा होती थी, अब रेंटल अपार्टमेंट तो सपना हो गया, बात खत्म हो गई, अब बेसमेंट भी सपना होता जा रहा है जो मेरे को हालात नजर आ रहे हैं। फिर बेसमेंट से क्या हुआ कि लोग रूम्स के ऊपर आ गए, अब रूम पे ले लें। अब रिसेंटली मुझे पता चला है, कल कौन पता नहीं कोई मेरे साथ बात कर रहा था, अब बेड्स में बात आ गई है कि आप एक बेड हमें दे दो अपने घर में, मतलब लोग रूम्स में, रूम के अंदर भी शेयरिंग है, शेयर्ड रूम हो गया ना बेसिकली, रूम के अंदर बेड्स आ गए, इसके अंदर दो बेड लगे हैं या तीन बेड लगे हैं, तो आपको एक बेड रेंट पे मिलेगा या आपको दो बेड रेंट पे मिलेंगे, तो ये सिचुएशन आ गई है। सो बेसिकली वो जो स्टैंडर्ड जो जिसके लिए कनाडा आता है कि मेरा जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे अपग्रेड होगा, वो काफी हद तक डाउनग्रेड हो रहा है, उल्टा बिल्कुल हो रहा है डाउनग्रेड जी। और इसमें हमें कोई भी हेजिटेशन नहीं है इस बात को कहते हुए कि इस चीज के लिए कहीं ना कहीं तीनों सरकारों का कोई ना कोई गलती या उनका कंट्रीब्यूशन जरूर रहा है। आई थिंक प्रवीण जी, कोई भी चीज जब कोई की जाती है उसके लिए पहले एक प्लान तैयार होता है कि अगर मैं इतनी इमिग्रेशन करूंगा मुझे इतने घर चाहिए कंट्री में और ये चीजें मुझे मुहैया करानी पड़ेंगी। आई थिंक वो प्लान मिसिंग है जो मुझे लग रहा है, रूट कॉज मिसिंग है उसके अंदर। बिल्कुल, क्योंकि वो जो चीजें हैं वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि सरकार इस चीज को देख नहीं रही है कि वो एक, अभी मैं एक छोटी सी यहाँ पे बात कहता हूँ कि ऐसा नहीं भी कोई हम शो में कोई नेगेटिव बात करना चाहते हैं, मार्केट में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आज आप बात करें दीपक, हम रियल स्टेट इंडस्ट्री की पूरी बात करें, आज मैं सुबह एक रेडियो शो के ऊपर बात कर रहा था, आप रियल स्टेट इंडस्ट्री में देखिए कि कौन कौन बंदे इन्वॉल्व है। सबसे पहले सेलर्स इन्वॉल्व है जी, सेलर्स आज परेशान है क्योंकि कई सेलर्स ने जो घर हैं आगे लिए थे पहले मतलब लिए थे बिल्डर्स वगैरह से, और वो जो उन्होंने लिए थे ज्यादा प्राइस के ऊपर लिए थे, आज उनका प्राइस उनकी अप्रेजल नहीं आ रही, उनको वो प्रॉब्लम आ रही है, मुश्किल हो रहा है, और उन्होंने कैलकुलेशन की थी कि हमारे घर का प्राइस इतना होएगा, अब उनके घर का प्राइस कम हो गया। नंबर वन सेलर परेशान जी, नंबर दो बायर भी परेशान। बिल्कुल, बायर कैसे परेशान है, बायर इसलिए परेशान है कि मॉर्गेज का जो क्वालिफाइंग रेट है वो इतना बढ़ चुका है कि बहुत से लोगों को क्वालिफाई होना मुश्किल हो गया, और उसके साथ जो इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है उसकी वजह से उनकी पेमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो बायर भी परेशान है इस मार्केट में। अब तीसरी बात आ गई लैंडलॉर्ड्स की, इस इंडस्ट्री में जो रियल एस्टेट में इन्वॉल्व है, लैंडलॉर्ड इस बात से परेशान है कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी थी उनकी जो पेमेंट थी 3,000, उनको रेंट आ रहा था $2,500-2,600, वो $400 अपनी पॉकेट से डाल के प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे थे, अब 3,000 वाली पेमेंट होगी 5,500। बिल्कुल, चलो रेंट भी बढ़ा पर अब वो उसके बिना भी
प्रॉपर्टी फिर भी वो मैनेज नहीं कर पा रहे, तो वो जो लैंडलॉर्ड है वो लैंडलॉर्ड भी परेशान है कि मैं इस प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं कर पा रहा। अब आगे बात करते हैं टेनेंट की, अब टेनेंट भी परेशान है इस मार्केट में। टेनेंट इस तरीके से मार्केट में परेशान है कि उसको जो चीज पहले 2500 या 3000 में मिलती थी, अब वो 4000 में मिलने लगी है, और वो भी कंप्रोमाइज करके मिलती है। बात आ गई बेसमेंट से बेडरूम्स में, बेडरूम से अब बेड्स के ऊपर बात आ गई है। तो जो टेनेंट है, टेनेंट भी इस मार्केट में परेशान है। अच्छा, फिर आ गई बात रियल स्टेट एजेंट्स की, अब रियल स्टेट एजेंट भी इस मार्केट में परेशान है। वो जो पहले जितनी ट्रांजैक्शन होती थी, आज वो ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, अगर होती है तो उनको मतलब उसमें भी काफी मुश्किल आ रही है, वो भी इस मार्केट में परेशान है। अब बात करते हैं जो रेनोवेशन वाले हैं, जो रेनोवेशन वाले रियल स्टेट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। पहले क्या होता था कि लोगों को मतलब कोई घर ले पाते थे और वो उसमें कोई ना कोई रेनोवेशन या कोई चीज करते थे, वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम होगी, अब उनका काम है, उनकी भी साइकिल स्टॉप होगी जी, तो वो भी बंदे इस चीज से परेशान है। इसके साथ जुड़े और कई लोग हैं, वो भी परेशान है, जैसे कोई फर्नीचर वाला हो गया, कोई अप्लायंसेस वाले हो गए, अब नई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, वो कम हो रही है, तो अप्लायंसेस नई नहीं सेल हो रही, फर्नीचर वालों का फर्नीचर उतना नहीं जाता जी। कहने का मतलब ये है कि ये जो मार्केट की शिफ्ट है, ये सभी लोगों को परेशान कर रही है। बस सिर्फ मतलब एक ही चीज है कि लोग खुल के बात कर नहीं रहे वो, पर अगर सही मायने में देखें तो हर आदमी इस मार्केट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। जैसे आप बात कर रहे हैं ना, ये तो आपने कुछ बंदों की बात की कि कुछ ट्रेड्स हैं या कुछ वो हैं जो रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए हैं, हाँ जी, बट ओवरऑल अगर देखा जाए, मतलब ओवरऑल देखा जाए, अगर कोई भी बायर है सेलर है, जब उसका मतलब इंटरेस्ट बढ़ गया, उसकी मॉर्गेज का एक मतलब बड़ा चंक उसकी सैलरी का जब उसकी तरफ जाने लग गया, तो वो वैसे ही ओवरऑल ही परेशान है, क्योंकि हर बंदा डेट पे है। बाइंग ऐसी बहुत कम है कि इन लोगों ने घर खुद का होल्ड किया हो या खुद बाय किया हो, मॉर्गेज ना हो। इसके अलावा कल मैं एक बात कर रहा था, मेरे एक फ्रेंड हैं, वो ड्राई क्लीन इंडस्ट्री में हैं। ओके। तो उनके कहने का मतलब था कि हमारे कमर्शियल यूनिट्स लगे हुए हैं, हमारा इक्विपमेंट लगा हुआ है, उनका बड़े स्केल पे ये काम है, और कुछ वो रिटेल में भी करते हैं। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे उनका आगे एक्सपेंस बढ़ रहा है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उन्होंने आगे बिल्डिंग्स बाय किए हुए हैं उनके ऊपर जो मॉर्गेज बढ़ती है, तो बेसिकली वो अपने चार्जेस इंक्रीज कर रहे हैं। अब चार्जेस इंक्रीज का जो प्रेशर है, वो कह रहा था कि वो लोगों के ऊपर है। अब लोगों का उनको देखने में ऐसा लगा कि जो बंदा इन्होंने कैलकुलेट किया था कि वीक में 10 कपड़े लेके आ रहा है, वो आज की डेट में 4 लेके आ रहा है। तो बात वही आ जाती है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम होता जा रहा है, 6 दिन वो वैसे ही चला रहा है, 4 दिन वो कपड़े वो जो है वो ड्राई क्लीन के लिए यूज कर रहा है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर जगह डाउन होता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि दीपक, जो आज की मार्केट है ना, आज की मार्केट में हम भी यहाँ पे 4 बंदे बैठे हैं, हम में से एक ही बंदा खुश है जी। वो है जपजीत जी, वो जिसके पास बिल्डर का माल है, और जिसको ये है कि जो बिल्डर है वो भी कम रेट पे माल बेच रहा है, जिसको माल बेचना आसान है। तो मेरा ख्याल हम सभी में हम देख रहे हैं कि मार्केट खुश है, एक वही खुश है कि जिसके पास अच्छी डील्स है, कि हाँ जी कोई ना कोई अच्छी डील है, चलो बायर्स को वो दिलाई जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये मार्केट है, हर आदमी के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफिकल्ट मतलब सिचुएशन है, सिचुएशन में ला रही है उसको। देखिए प्रवीण जी, कहा जाता है कि जब भी मार्केट में, क्योंकि चैलेंज तो हर बार होते हैं, डिफरेंट टाइप के चैलेंज होते हैं, आज की मार्केट डिफरेंट चैलेंज हो सकता है। जब मार्केट में पहले लोगों को घर सिक्योर करना मुश्किल था, आज घर मिल रहे हैं तो मॉर्गेज का चैलेंज, मॉर्गेज सिक्योर करना। पर हर मार्केट में चैलेंज होता है तो साथ में अपॉर्चुनिटीज भी आती है। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक पे मैं आना चाहूंगा। आपने जो टॉपिक लिया आज, इसमें आपको क्या लगता है कि आज की मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज है? कोई चैलेंज तो हमने सारों में देखे हैं, बिल्कुल, बट हर मार्केट में आप क्या सोचते हो आज की मार्केट में कौन ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है? देखो दीपक, इस मार्केट में अगर कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या कोई आदमी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है, वो है बायर जी। और मैं ये बात शेयर करना चाहूंगा कि बायर आज की मार्केट में कैसे अपॉर्चुनिटी मतलब अवेल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि देखो, कोई भी जब भी कोई अपॉर्चुनिटी होती है, वो किसी ना किसी आदमी की प्रॉब्लम होती है जो दूसरे की अपॉर्चुनिटी है, तभी अपॉर्चुनिटी बनती है। तो आज की मार्केट में दीपक, ये जो चीज हमें समझ आ रही है, हमने काफी लोगों से, आपको भी मालूम है, आप भी बहुत लोगों से, आप दिनेश, आप सभी लोग, जब जी सभी लोग अलग अलग बायर सेलर्स के साथ रोज बात करते हैं। मार्केट में बहुत से ऐसे सेलर्स हैं और बहुत से ऐसे बिल्डर्स हैं जो आज दो चीजें मार्केट में कर रहे हैं जी। जो तो सेलर्स हैं जिन्होंने काफी प्रॉपर्टीज, जैसे कह लो कि पहले बाय की हुई हैं प्री कंस्ट्रक्शन में,
अब किसी ना किसी कारण से उनकी सिचुएशन चेंज हो गई जी, मतलब सिचुएशन चेंज होगी, वो प्रॉपर्टी को क्लोज नहीं करवा पा रहे, या अब ये हो गया कि जो उन्होंने सोचा था कि ये प्रॉपर्टी जो है उनकी, इसकी जो इंस्टॉलमेंट होगी पुराने हिसाब के हिसाब से वो होगी 4,000, अब मॉर्गेज चेंज होने की बजाय वो होगी 6,000, तो अब उनको ये लगता है कि ये प्रॉपर्टी उनके बजट से बाहर हो गई, और जहाँ जो उनकी अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने बेचनी थी वो लग रहा था उनको कि ये बिकेगी 12 लाख की, और आज वो प्रॉपर्टी बिक रही है 1 मिलियन की। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको, जिनके जो प्लान थे वो प्लान उनके जैसे कह लो कि वो डिस्टर्ब हो गए उनके प्लान। अब उनके पास ऑप्शन क्या है? अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि अपने प्लान्स को ठीक रखने के लिए वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करें जी, यही एक उनके पास सलूशन है। बिल्कुल। सो बहुत से सेलर है आज की मार्केट में जो ये बात कह रहे हैं कि जो उन्होंने प्री कंस्ट्रक्शन में कोई चीज बाय की थी आज से 2-3 साल पहले कहीं उन्हें बाय की हुई थी, वो ये चाह रहे हैं कि हम अपनी उस प्रॉपर्टी को उसी प्राइस पे जो कि आज से 2-3 साल पहले था, क्योंकि आज की करंट मार्केट में प्राइस फिर भी उससे ही ऊपर है जी, तो वो चाह रहे हैं कि हम उसको उसी प्रॉपर्टी को उस प्राइस पे हम किसी ना किसी और को दे दें। और कई तो ऐसे भी सेलर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर हम वो नहीं क्लोज करवा पाते तो दीपक उसका क्या आउटकम क्या है कि बिल्डर उनका डिपॉजिट ले जाएगा, दैट इज द ओनली आउटकम। तो वो ये कहते हैं कि बिल्डर हमारा पूरा डिपॉजिट ले जाए, उसकी बजाय आप हमें पार्शियल डिपॉजिट हमें दे दो, पार्शियल डिपॉजिट का आपको बेनिफिट हो जाए जी। तो देर आर सो मैनी थिंग्स इन द मार्केट आज की मार्केट में, जहां पे ऐसा नहीं कि हम किसी के लिए बुरा चाहते हैं कि, पर वो ऐसी सिचुएशन में है कि अगर वो सेलर्स कोई डिसीजन नहीं बनाते तो वो उनका वैसे भी नुकसान है जी। तो हम भी उनको ये बात कहते हैं कि आप अपना नुकसान बिल्डर को देने की बजाय या अपना करने की बजाय किसी न किसी बायर को अपनी प्रॉपर्टी असाइन कर दो, चाहे कम अपने डिपॉजिट के ऊपर कर दो, आप कम से कम आप कुछ ना कुछ तो अपनी डैमेज को आप कंट्रोल कर सको। एक तो ये आज की डेट में मार्केट में काफी अपॉर्चुनिटीज है, और दूसरी चीज ये है कि कई बिल्डर्स ऐसे हैं जिनके प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में थे जी। और जिनकी चीजें पाइपलाइन में थी अब उनके लिए उनको होल्ड करना मुश्किल है, हालांकि जहां पे बिल्डर की आज की डेट में कोशिश चल रही है कि वो अपनी मतलब सप्लाई को कम कर रहे हैं, अपनी सप्लाई को कम कर रहे हैं, बट सर्टन चीजें ऐसी हैं कि जो उनकी ऑलरेडी पाइपलाइन में है जिनको वो होल्ड नहीं कर पा रहे, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी उन प्रोजेक्ट्स को ब्रेक इवन करने के लिए भी मतलब सेल कर रहे हैं। जैसे आज एक बिल्डर, आप भी सुबह थे आप ऑफिस में आए थे, तो उन्होंने हमें बोला कि हम अपने जो है पहले 20 लॉट है जे हम दे देंगे अपने ब्रेक इवन प्राइस पे जी। तो वो जो ब्रेक इवन प्राइस पे उन्होंने सारा प्रोजेक्ट नहीं बेचना, बट आज की मार्केट में वो कुछ लॉट बेच जाएंगे, पर वो हमारे बायर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो इस मार्केट का एडवांटेज है वो लेना चाहते हैं। इसी टॉपिक में हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा इशारा हो चुका है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुसन का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें। जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुसन को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसॉगा, अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। फॉर अपॉइंटमेंट्स कॉल नाउ 4373242885। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, वन स्टॉप ब्यूटी सैलून। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन।
Get ready, Kitchener, Waterloo, Cambridge. The Grand Mehfil presents the biggest Mehfil 2.0, where I will be performing live on 19th of August at the Odd Kitchener. So hurry up to book your tickets now and get the best seats. Get your tickets at kwtickets.ca. I can't wait to see you guys. Aajao, it'll be a lot of fun. We're gonna have a lot of fun. Can't wait. Much love. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers, local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704. Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Welcome to EB Electronics. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज डीलर हैं। 5-स्टार खिदमत का लुत्फ ले। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तियाब हैं, जो आप बा आसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. So, now it's fully renovated. लाइव केटरिंग, बारबेक्यू, तंदूर, जलेबियां, फ्रेश नान, तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, ज़ॉक इज प्रोवाइडिंग फुल सर्विस नाउ एंड ज़ॉक हैज ओपन्ड अ न्यू बैंक्वेट हॉल, गार्डन, इवेंट सेंटर। आपका ज़ॉक देखकर लोग कहेंगे क्या ज़ॉक है आपका। कॉल राइट नाउ 905-625-7786। ज़ॉक, ज़ॉक वालों के लिए। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लाइव विद टीम अरोड़ा शो पर राज आवाज एंटरटेनमेंट के माध्यम से। सो जाते जाते हमने जब बात कर रहे थे जो अपॉर्चुनिटीज है आज की डेट में बायर्स के लिए वो क्या है, प्रवीण जी ने जैसे बताया कि असाइनमेंट सेल्स कुछ हैं और रिगार्डिंग जो प्री कंस्ट्रक्शन में आपकी वाली ऑप्शन जो जो अवेलेबल है, इसके साथ हम रीसेल में भी जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या डील्स है, क्योंकि बहुत सारे आज की डेट में बायर है, क्योंकि डेफिनेटली देखो कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस जब पे रियल स्टेट बिकती नहीं है। आज की डेट में हर रोज कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हमेशा होती है। So, दिनेश जी, आपके लिए मतलब हमारे दर्शकों के लिए क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो रीसेल में वो ले सकते हैं आज की डेट में? देखिए, रीसेल का आज की मार्केट में एक बेस्ट पार्ट ये है, जैसे अभी हमने असाइनमेंट में डिस्कस किया कि असाइनमेंट सेल में क्या है, लोगों ने कोई कमिटमेंट बिल्डर्स के साथ ऑलरेडी कर रखी है और उनके ऊपर आज की डेट में उनको लग रहा है कि उनके डिपॉजिट में थोड़ा इशू आ रहा है या उनको लग रहा है कि भाई ये नहीं मेरे से चीज अचीव हो रही, तो वो कम प्राइस पे उसको थोड़ा निकाल रहे हैं या कुछ ना कुछ वो चीज वो अपने ऊपर ले रहे हैं। इस चीज के ऊपर रीसेल का एक बेस्ट पार्ट सेलर के लिए थोड़ा सा ये है कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनकी बाइंग पहले की है, ऑल्दो उनको जो नई प्रॉपर्टी अगर वो कहीं मूव करना चाहते हैं। देखिए, कई तो इस तरह के हैं जो इसी मार्केट में बाय और सेल कर रहे हैं,
जी। तो उन्होंने इसी मार्केट में कोई ना कोई प्रॉपर्टी एक अच्छे प्राइस के ऊपर अपनी टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर सिक्योर कर ली है। अब वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद जी। तो उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट उस प्रॉपर्टी में इसी मार्केट में हो चुका है, क्योंकि उन्होंने वो प्रॉपर्टी जब बाय की है तो वो भी आज की मार्केट में काफी रीजनेबल प्राइस पे बाय की है। और दूसरा उनके पास थोड़ा सा बेस्ट पार्ट इनको ये है उनके लिए कि वो जो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं उनकी बाइंग उनकी पहले की है, कुछ प्रॉपर्टी का परचेज प्राइस थोड़ा सा सस्ता है और कुछ उसमें उनकी इक्विटी भी बनी हुई है। तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर वो मार्केट में आज की डेट में थोड़े रीजनेबल प्राइस पे जाते हैं तो उनके लिए काइंड ऑफ ए विन विन सिचुएशन है कि अगर वो यहाँ कुछ लूज कर रहे हैं तो जो प्रॉपर्टी उन्होंने बाय की है आगे उन्होंने उसमें वो मेकअप कर लिया, वो गेन कर रहे हैं उसमें, वो उसमें गेन कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि जो बायर उनकी प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई टाउन हाउस या छोटे डिटैच से बड़े डिटैच में जा रहा है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी ये अच्छी हो रही है कि उनको आज की मार्केट में वही डिस्काउंटेड प्राइस पे वो प्रॉपर्टी मिल रही है जी। तो ये किसी ना किसी तरह उनमें दोनों के लिए ये बेनिफिट है, बिकॉज वो बाइंग और सेलिंग दोनों कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं या मान लीजिए ये भी छोटी प्रॉपर्टी से कर रहे हैं, तो उनको इसमें काफी बेनिफिट हो सकता है। और स्पेशली विद टर्म एंड कंडीशन, और जिस तरह थोड़ी सी मार्केट में आजकल इन्वेंट्री भी है तो थोड़ा सा बायर्स को थोड़ा सा शॉप अराउंड भी मिल जाता है, वो थोड़ा अपने मन मुताबिक चीज ले लेते हैं जहां उनका मन करे, या उनका कुछ अपनी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, या कुछ घर के बारे में उनकी अपनी कोई डिवाइडेशन है कि यहाँ ये चीज होनी चाहिए ये चीज होनी चाहिए, तो वो भी उनको प्रीव्यू करने का प्रॉपर्टीज भी मौका मिल जाता है जी। सो बेसिकली बायर के पास आजकल आपके कहने का मतलब है कि जो ऑप्शंस है वो काफी हैं, और अपने मन पसंद जो कह सकते हैं घर में जो चाहते हैं वो लोकेशन पे आज की डेट में अवेलेबल है। और देखिए जिस तरह मार्केट का हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिनेरियो बन रहा है, तो उसमें उनको कहीं ना कहीं बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है जी। और जैसे हम बात कर रहे थे कि असाइनमेंट में कहीं ना कहीं उनका ब्रेक इवन हो रहा है या लूज कर रहे हैं, यहाँ डेफिनेटली प्रॉफिट श्रिंक हो रहा है। यहाँ जो ज्यादातर रीसेल में जो सेलर हैं वो मतलब लूज नहीं कर रहे हैं, बट हाँ थोड़ा प्रॉफिट श्रिंक हो रहा है। बट ऑन द सेम टाइम अगर वो इसी मार्केट में कुछ बाय भी कर रहे हैं तो वहां वो गेन भी कर रहे हैं जी। तो ये बात होगी रीसेल में। देखिए आज की डेट में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे लोग कहते हैं कि डील चाहिए मेरे को, तो आज की डेट में कह सकते हैं बहुत सारी डील्स आपकी वेट कर रही है। सो इसके अलावा जगजीत से मैं पूछना चाहूंगा, जगजीत जैसे हमने रीसेल में बात की, प्री कंस्ट्रक्शन में प्रवीण जी ने बताया, बट आपके पास कुछ प्री कंस्ट्रक्शन में ऑप्शन अवेलेबल भी है कि जो ऐसी कोई डील उनके लिए हो जिसमें कोई डिपॉजिट कम हो या प्राइस ठीक हो उनके लिए? या सो मेरे पास दो असाइनमेंट्स हैं जो मैं आज हाईलाइट करना चाहूंगी। सबसे पहले ब्रैम्पटन का एक प्रोजेक्ट OMG2 जो डैनियल्स की असाइनमेंट सेल है इधर। सो ये एक वन बेडरूम प्लस डेन यूनिट इधर हमारे पास अवेलेबल है। इसकी लोकेशन पड़ती है स्टील्स एंड मिसिसागा रोड के पास, सो हाईवे 407 के आपके पास इजी एक्सेस है। वॉकिंग डिस्टेंस में ही बहुत सारी अमेनिटीज, शॉप्स, डेंटिस्ट, व्हाटएवर यू नीड, इट्स ऑल देयर। एंड इधर आपके पास दो गो स्टेशन भी पास पड़ते हैं, मेडोविल गो स्टेशन एंड माउंट प्लेजेंट गो। सो ऑल इन ऑल बहुत अच्छी ऑप्शन है ये। वन बेडरूम प्लस डेन 650 स्क्वायर फुटेज में है, एंड डेन सिर्फ कहने के लिए डेन नहीं, काफी स्पेशियस है जी। इसे आप सेकंड बेडरूम की तरह यूज कर सकते हो या एक ऑफिस स्पेस की तरह। एंड ब्रांड न्यू अप्लायंसेस, नेवर लिव्ड इन यूनिट, सो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आप मिड 600 की रेंज में सिक्योर कर सकते हो अगर आप इमीडिएटली कोई ब्रांड न्यू यूनिट में मूव होना चाहते हो। एंड इसमें एक आपको सरफेस पार्किंग भी मिल रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप कॉन्डो परचेस कर रहे हो जी। तो ये तो बात होगी जगजीत, आपने जो ये लोकेशन बताई ब्रैम वेस्ट में, आई थिंक काफी सारे प्लाजा इसके आसपास हैं, ग्रोसरी स्टोर आप लें, चाहे पिज्जा स्टोर्स लें, चाहे आप रेस्टोरेंट्स की बात करें, आई थिंक रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, 6-7 रेस्टोरेंट्स हैं, काफी बड़ा प्लाजा, बैंक्स वगैरह एवरीथिंग। इसके अलावा भी आपके पास कोई ऑप्शन है इसके? यस, सेकेंडली अगर आप टोरंटो में कोई ऑप्शन देख रहे हो, सेंटर कोर्ट का एक प्रोजेक्ट 199 चर्च, इधर डंडास स्ट्रीट एंड चर्च स्ट्रीट में ये प्रोजेक्ट, इधर 30th फ्लोर पे हमारे पास एक 2-बेडरूम यूनिट की ऑप्शन है। हमारे टेक्नीशियन आपको इस बिल्डिंग की पिक्चर दिखाएंगे शॉर्टली। एंड ये राइफन यूनिवर्सिटी की वॉकिंग डिस्टेंस में ये बिल्डिंग आती है। सो अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई यूनिट देख रहे हो, क्योंकि हमें पता ही है कि फर्स्ट ईयर के बाद कैंपस में रेजिडेंस मिलनी थोड़ी टफ होती है, सो अगर आप उनके लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इधर अराउंड 30,000 स्क्वायर फीट ऑफ अमेनिटी स्पेस आपको मिलेगी, काफी है, बढ़िया। यस, एंड डाउनटाउन है, द ट्रांसिट स्कोर इज 100/100, सो अगर आप कार पार्किंग भी नहीं लेते हो, देन आपके पास डंडास स्टॉप स्ट्रीट कार्स की ऑप्शन है, एंड यू कैन वॉक एवरीवेयर, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू जी।
प्रवीण जी आपका क्या कहना है? देखिए आज की डेट में जैसे जबजीत ने हमें दो ऑप्शन बताई, आई होप कि इसमें और बहुत सारी ऑप्शन मार्केट में भी अवेलेबल होगी, बट जो आज की डेट में रेंटल मार्केट भी देखें, जैसे वन बेडरूम वन प्लस डेन है, इनका रेंट मार्केट में 3,3200 से कम तो इसका रेंट भी नहीं है। तो बायर आज की डेट में अगर सिक्योर करता, आपको उसमें क्या लगता है कि बायर के लिए विन विन सिचुएशन है ये वाली? देखो दीपक, जो सर्टन प्रॉपर्टीज है ना जी, ये अक्सर कई लोगों ने ना हमारे साथ बात की है, जैसे रेडियो पे भी टीवी शो पे भी अक्सर लोग बात करते हैं, पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि प्राइसेस नीचे जाएंगे। तो मैं इसके बारे में एक थोड़ी सी चीज लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे व्यूअर्स को, कि जो प्राइसेज है जी, वो मुझे कोई बहुत ज्यादा नीचे जाने वाली बात लगती नहीं, और उसका मैं रीजन बताता हूँ कि क्यों नहीं मेरे को लगती। मार्केट में शॉर्ट पीरियड के लिए कोई भी सेलर, मतलब मोटिवेशन हो उनकी फॉर एनी रीजन प्रॉपर्टी को सेल करने की, कई लोगों ने ओवर स्ट्रेच किया हो या कुछ ऐसी बात हो, तो वो कुछ भी प्रॉपर्टी पे कुछ लॉस ले सकते हैं फॉर ए शॉर्ट पीरियड। बट अगर हम लॉन्ग टर्म बात करें मार्केट की, तो जिस प्राइस पे आज की डेट में मार्केट में लो राइज या हाई राइज सेल हो रहा है, नॉट ऑल द प्रोजेक्ट, नॉट ऑल द प्रॉपर्टीज, बट जो मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, तो अगर आज उनको रिप्लेस करना हो, उनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी उससे ज्यादा है जी। तो अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट उससे ज्यादा है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि कोई भी जो बिल्डर है या कोई डेवलपर है, वो अपनी पॉकेट से पैसे डाल के कोई भी डेवलपमेंट करेगा। बिल्कुल ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अभी जैसे मैंने आज बात की आपसे कि आप भी थे सुबह ऑफिस में, कि वो जो बिल्डर आया था कि वो एक स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट्स सेल करना चाह रहे हैं ब्रेक इवन के लिए जी। ठीक है, इवेंचुअली उनका क्या है कि उसके बाद के जो ब्लॉक्स हैं वो उसमें वो अपना कुछ ना कुछ मार्जिन रखेंगे। तो कोई भी जो बिजनेस ओनर है या बिल्डर है, डेवलपर है, वो कुछ ना कुछ मार्जिन के ऊपर काम करेगा, वो विदाउट मार्जिन कभी भी काम नहीं करेगा। तो ये जो नंबर्स हैं आज की डेट में जो मार्केट में लग रहे हैं, उसका कारण एक सबसे बड़ा ये है दीपक, क्योंकि जो लैंड है जीटीए में, ये मैं जीटीए की बात कर रहा हूँ, जीटीए के बाहर कैनेडा वाइड कोई भी चीज हो सकती है, उसके बारे में हमारे लिए कॉमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, कि जो जीटीए की मार्केट है यहाँ पे लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है जी। ऐसा तो होने वाला नहीं कि लैंड ऑल ऑफ सडन कहीं से और आ जाएगी जी। जो अगर आज भी आप देखो, कल की बात है शायद, एक मेरे साथ एक और डेवलपर थे, वो बात कर रहे थे, तो वी वेंट थ्रू दिनेश पूरी लैंड की जो पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है आज की डेट में, देर आर नॉट दैट मेनी, मतलब कोई बहुत ज्यादा लैंड की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और आप कहीं पे भी लैंड कोई देख लो जो डेवेलपेबल है, आपको 3 मिलियन से नीचे एकड़ आज की डेट में भी कहीं नजर नहीं आता। पर दूसरी बात एक ये भी है ना कि जो जैसे अभी आपने बताया कि कुछ सेलर ऐसे होते हैं जिनके ओवर स्ट्रेच किया हुआ है, प्रॉपर्टी ज्यादा है, वो एक आधी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। बट मोर देन 50-60% अभी भी पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास एक ही प्रॉपर्टी है प्रिंसिपल रेजिडेंस, उसके बाद कुछ बंदे हैं जिनके पास दो हैं, फिर वो बंदों की परसेंटेज कम होती जाती है। तो अभी उनमें से कोई ना कोई बंदा तो दे सकता है, बट जो 50-60% बंदे जो एक प्रिंसिपल प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं, वो तो उसको होल्ड कर ही रहे हैं जैसे कर ही रहे हैं, तो वो तो सेल करेंगे ही नहीं उसको उस प्राइस पे। ठीक है कि उनकी सिचुएशन मुश्किल में है, बट मतलब वो पर एक प्रॉपर्टी वो कर पा रहे हैं किसी तरह मैनेज या ट्राई कर, तो रेंट पे जाना पड़ेगा उनको, तो वो भी उनके लिए कोई बहुत फ्रूटफुल सिनेरियो नहीं है। तो इसलिए मुझे प्राइसेस के बारे में आने वाले टाइम में कोई ऐसी बात नहीं नजर आ रही कि अगर हम सोचें जी आज ये घर 1 मिलियन का है और कल को 5 लाख का रह जाएगा, ऐसा मेरे को मार्केट में कोई चीज नजर नहीं आती। जी इसमें ये भी चीज कह रही गलत नहीं होगी, आई थिंक जो आज की डेट में हमें प्राइसेस कम मिल रहे हैं, मान लीजिए किसी बायर को जो सेलर बेच रहा है, बेसिकली उसने कहीं ना कहीं या तो कमिट किया हुआ है, बिल्कुल उसने कोई बिल्डर प्रॉपर्टी बाय की है, और या उसने अपग्रेड किया है तो अपना अपसाइज कर रहा है, तो पुराना बेच रहा है नया खरीद रहा है। बिल्कुल, अगर इस चीजों को छोड़ दें, जो साइकिल चल रहा है, मुझे लगता है अगर मैं गलत ना हूं कि इस साल तक मुझे लगता है कि मोस्टली 90-95% लोगों की बाइंग सेलिंग का काम जो पुराना था वो खत्म हो जाएगा। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा मार्केट में पॉजिटिव प्ले करने के लिए, क्योंकि अब लोग वही काम करेंगे जिनको पता है मार्केट कैसी है, इंटरेस्ट रेट कैसे हैं, तभी वो मूव कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो भी स्टेबिलिटी एक देगा मार्केट को। बाकी दूसरी बात ऐसे ना, जैसे दीपक दिनेश बात कर रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म चीज है जी,
मतलब कोई होएगा स्मॉल परसेंटेज ऑफ सेलर्स जो इस चीज को ले जाएंगे, मतलब अपनी इक्विटी कम पे वो प्रॉपर्टी बेच जाएंगे। समटाइम्स ऐसा भी होता है दीपक के, जैसे कईयों ने प्रॉपर्टी पहले की बाय की हुई है, उनकी घर में मान लीजिए 6-7 लाख की इक्विटी बिल्ट हुई है, उनको वो 5 लाख की बेच जाएंगे, वो चीज है। मतलब वो कोई बिग परसेंटेज नहीं होगी, बिल्कुल, कि अगर हम कहें तो या तो वो कहीं ना कहीं आगे उसको कवर अप कर रहे होते हैं, या फिर चलो अनफॉर्चुनेट सिनेरियो में कई बार थोड़ा बहुत मार्केट में रिस्क होता है तो थोड़ा बहुत लॉस भी होता है, कभी प्रॉफिट है या लॉस है। सो बेसिकली यहाँ पे है कि जो बायर आज के प्रॉपर्टी ले रहा है उसको कहीं ना कहीं काफी बड़ा एज मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कई बार वो प्री कंस्ट्रक्शन से भी उसको सस्ती भी मिल रही है। एक हमारे ऐसे बायर है, मतलब सेलर है, उन्होंने पहले जब प्रॉपर्टी बाय की है तो एक प्रॉपर्टी उन्होंने असाइनमेंट में 500,000 बनाया भी है उसमें, मतलब 5 लाख महंगी बेची है, और दूसरी प्रॉपर्टी जब सिचुएशन थोड़ी इस तरह हुई तो उसमें 2 लाख नीचे भी बेची है, तो मतलब उन्होंने 5 लाख गेन किया बट दूसरी में 2 लाख लॉस हो गया, तो कहीं ना कहीं वो प्रिपेयर्ड है, उनको लगता है इसी मार्केट में इन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करके उन्होंने बनाए थे 5, 2 चले गए, 3 अभी हैं, तो ये है। सो लीजिए ये बात तो होगी अपॉर्चुनिटीज के बारे में, हम एक हॉट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहेंगे प्रवीण जी। जैसे कि मार्केट में सबका एक क्वेश्चन है कि जो इंटरेस्ट रेट है ये बढ़ेगा सितंबर में, नहीं बढ़ेगा, आप इसमें क्या कमेंट करना चाहते हैं? देखो दीपक, लग तो ये रहा है कि इंटरेस्ट रेट शायद ना बढ़े जी सितंबर में जी, जो लग रहा है। लग क्यों रहा है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं जी, और जा जैसे लोग आजकल काफी महसूस कर रहे हैं, जो मतलब इतनी डिफिकल्ट जो सिचुएशन है जी। और मुझे ये लगता है कि बैंक्स, गवर्नमेंट, सभी लोग ये चाहते हैं कि मार्केट में ऐसी कोई सिचुएशन ना आए कि चीजें लोगों के हाथ से बाहर हो जाएं, राइट। तो इन्फ्लेशन का जो है नंबर, जैसे अब हमें लग रहा है कि वो काफी 2.8 तक तो भी लास्ट इन्होंने जब मॉनिटर किया तो 2.8 के करीब था, वो मतलब काफी ठीक हो गया है जी। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट को जो जितनी तेजी से इंटरेस्ट रेट पहले बढ़ाया है, आगे शायद इतने कोई स्टेप्स लेने की जरूरत उनको ना पड़े, क्योंकि अब लोगों को भी ये बात समझ आ चुकी है, समझ नहीं आ चुकी, अब उनकी मतलब बाइंग पावर रही ही नहीं, समझने वाली भी बात खत्म हो गई, वो भी बात खत्म हो चुकी है। अब आप एक चीज देखो, आपकी 3,000 की पेमेंट अब 5,500 की हो चुकी है, आपको कहाँ पे रेस्टोरेंट नजर आते हैं, आपको कहाँ पे घूमना नजर आता है, आप तो रात को उठकर ये हिसाब कर रहे होते हैं कि 5,500 ये हो गया कि मैंने पेमेंट कैसे करनी है, दैट्स व्हाट इट इज, राइट। तो वो चीजें मार्केट में काफी चेंज हो चुकी है, तो मुझे लगता नहीं। और दूसरी एक बात ये है कि अनटिल अनलेस सरकार अपना रवैया ना चेंज करे, जैसे सरकार मार्केट में मनी पंप कर रही है, इस चीज को सरकार को कंट्रोल करना चाहिए जो मेरे को लग रहा है। मतलब अगर सरकार वो चीजों से नहीं हटेगी तो लोगों का गला और घुटा जाएगा, जो मेरे को हालात नजर आ रहे हैं। अदरवाइज तो देखा जाए तो लोगों की आज की डेट में मुझे नहीं लग रहा कि इतनी बाइंग पावर ज्यादा है, लोगों की बाइंग पावर तो काफी कम हो चुकी है। अब तो सरकार को अपनी जो चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है कि सरकार मार्केट में ज्यादा पैसे पंप ना करे। मतलब हम ये नहीं कहते कि सरकार चीजें ना करे, पर बहुत सी चीजें सरकार के पार्ट पे ऐसी हुई हैं, हमें भी देखो ये जो मतलब न्यूज है उन्हीं से चीजें पता चलती हैं कि ये क्या हुआ है, इस चीज का क्या नतीजा निकला। मतलब सरकार ने बहुत ऐसी चीजें की हैं जिन्होंने इन्फ्लेशन को बढ़ाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, और जिसका प्राइस है वो एक आम पब्लिक पे कर रही है। इन्फ्लेशन बढ़ाने में सरकार का रोल है और प्राइस पे कर रही है उसका पब्लिक, और ये जो चीज है, ये चीज हमें लग रहा है कि ये चीज गलत हो रही है जी। तो ये यहाँ मतलब गवर्नमेंट को और बैंक ऑफ कनाडा यहाँ ना थोड़ा सा, जैसे आपने बात की है, फिर ये दोनों चीजें उनकी थोड़ी ऑपोजिट आ रही हैं कि वो मनी निकालना चाहते हैं मार्केट से ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, और अगर और वो मनी बढ़ा रहे हैं तो हाँ वो बैलेंस नहीं हो पा रहा, दैट्स व्हाई उनकी इक्वेशंस जो हैं इतने इंटरेस्ट रेट चेंज करने के बाद भी वो ठीक बैठ नहीं रही है। जितनी तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है दिनेश, उतनी तेजी से वो कंट्रोल नहीं हुई, क्योंकि कंट्रोल इसलिए नहीं हुई कि एक तरफ हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम इस डायरेक्शन से अपोजिट चीजें कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं इनको कोलैबोरेशन में ये काम करने की जरूरत है, बिल्कुल करना चाहिए प्लानिंग के अंदर। अगर सरकार ये अपना रवैया नहीं चेंज करेगी तो मुझे लगता है कि पब्लिक को इसका प्राइस और ज्यादा पे करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी पहले एक एग्जांपल दिया कि आज की मार्केट में कोई भी बंदा खुश नहीं है, बिल्कुल, चाहे वो बायर है, चाहे वो सेलर है, चाहे वो रेंटर है, चाहे वो लैंडलॉर्ड है, वो सभी आदमी कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल है। ऐसी मार्केट तभी होती है जब कोई गलत पॉलिसीज होती हैं, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होता कि हर बंदा ही इस मार्केट में दुखी हुए। किसी ना किसी को तो बेनिफिट होना चाहिए ना मार्केट में। आज की मार्केट में किसी को भी बेनिफिट नहीं हो रहा क्योंकि स्पेंडिंग प्रवीण जी उसका मेन रीजन है, स्पेंडिंग काफी कम हो चुकी है। हाँ जी, और वैसे भी इन्फ्लेशन के ऊपर हम जो बात करें, मेजर जो पार्ट प्ले कर रही है वो गैस की प्राइसेस है या आप ग्रोसरी का कह लें या आप इंटरेस्ट, ये तीन ही मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल, रियल एस्टेट तो उसमें है ही नहीं कहीं, रियल एस्टेट की प्राइस तो सेटल हो रही है उल्टा। चलिए यहाँ पे वक्त हो चुका है ब्रेक का, इसके बाद हम फिर हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुसन का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुसन को चार चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसॉगा, अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। फॉर अपॉइंटमेंट्स कॉल नाउ 4373242885। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, वन स्टॉप ब्यूटी सैलून। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम, हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। What's up Canada? This is Neha Kakkar. Get ready, Kitchener, Waterloo, Cambridge. The Grand Mehfil presents the biggest Mehfil 2.0, where I will be performing live on 19th of August at the Odd Kitchener. So hurry up to book your tickets now and get the best seats. Get your tickets at kwtickets.ca. I can't wait to see you guys. Aajao, it will be a lot of fun. We're gonna have a lot of fun. Can't wait. Watch out. Welcome to City Pro Realty. We are 100% Canadian family-owned real estate brokerage. If you are thinking of buying or selling residential or commercial real estate, think of us. Call us. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our passion is real estate. Your success is our priority. Our commission plans to meet your budget. Your satisfaction is guaranteed. A family serving family. To search for sale properties and free reports, visit www.citypro.net. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers, local and long distance, we also ship cars, Kailer Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 pe. Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Welcome to EB Electronics.
647-762-3956. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ तआवुन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। देखिए खेल की आवाज हर पीर रात 8 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। जी आप सबका एक बार फिर से स्वागत है लाइव विद टीम रोड़ा के प्रोग्राम में। सो आज हम बात करेंगे, जो हम डील्स की बात करेंगे, बायर के पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसमें से कुछ लिस्टिंग्स हम लेकर आए हैं जो हम कह सकते हैं काफी अच्छी प्राइस है, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एक कॉन्डो यूनिट की जो मिसिसागा में काफी प्राइम लोकेशन में है और कह सकते हैं क्रेडिट वैली जो हॉस्पिटल है उसके बिल्कुल पास में, एरिन मिल्स और एग्लिंटन के इंटरसेक्शन पे। एड्रेस है इसका 4655 मेटक्लिफ एवेन्यू और ये 2 बेडरूम और 1 डेन प्लस 2 वॉशरूम का ये कॉन्डो है और एक काफी हॉट लोकेशन है और यूनिट भी काफी अच्छे साइज का, बड़ा साइज है इसका और साथ में पार्किंग भी है और लॉकर भी है और प्राइस इसकी काफी अट्रैक्टिव है। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं और बायर कोई भी इसमें दिलचस्पी है तो हमें आप बात कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर है 4169108923। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा जो भी लोग टाउन हाउस देखना चाहते हैं, फ्री होल्ड टाउन हाउस हम ब्रैम्पटन में लेके आए हैं 63 होगन मैनर ड्राइव के ऊपर, जो प्रीमियम कॉर्नर लॉट है। इसकी काफी जो कहते हैं साइज अंदर काफी इतना अच्छा है, 2100 स्क्वायर फीट का सेपरेट लिविंग और सेपरेट फैमिली रूम आपको मिलता है और इसका ड्राइवे जो हमेशा कार पार्किंग की प्रॉब्लम रहती है, 2 कार पार्किंग का ड्राइवे है, इवन आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं जो 4 कार का भी बन सकता है और इसका गैराज भी काफी स्पेशियस जिसमें आपको गैराज पार्किंग के साथ स्टोरेज भी मिलेगी और ये बेडरूम में आपको 3 बेडरूम और साथ में आपका क्या कहते हैं बेसमेंट अनफिनिश भी इसमें मिलेगी साथ में। तो इसके बाद मैं जानना चाहूंगा अपना जपजीत जी, आपके पास भी है कोई टाउन हाउस मिल्टन में? यस, सो 737 एल्सली कोर्ट मिल्टन में एक फ्री होल्ड टाउन होम है, सिर्फ 5 साल पुराना एंड ये मिल्टन के 16 माइल क्रीक एरिया में पड़ता है, 4th लाइन एंड डेरी रोड। ये फ्रेशली पेंटेड न्यू पॉट लाइट, बहुत ब्यूटीफुल टाउन होम है। इधर आपके पास अपने सेकेंडरी बेडरूम में ऊपर आप देख सकते हैं बालकनी भी है, 3 बेडरूम्स 2.5 बाथ। ये हमने 1,069,000 के लिए लिफ्ट करा है एंड इधर हम ओपन हाउस भी लगा रहे हैं बोथ सैटरडे एंड संडे 1:30 to 5 PM, सो बी श्योर टू कम विजिट अस। आई थिंक जब जी इसका गैराज ही अटैच है, सिर्फ बेडरूम साइजिंग इसकी अटैच भी नहीं है, काइंड ऑफ सेमी कह सकते हैं इसको। यस, So, इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा जो ब्रैम्पटन में हमारे पास एक स्टैग टाउन आया है जो ब्रांड न्यू है, नेवर लिव्ड इन, जो आपकी बहुत ही फेमस जो इंटरसेक्शन आप कह सकते हैं वन ऑफ द लग्जरी जो यहाँ पे घर बने हुए हैं फाइनेंशियल और मिसागा रोड के ऊपर। ये कैनफ का बिल्ट है, काफी प्रीमियम लग्जरी फिनिशेज बिल्डर की आती है। सो ये हमारे पास टाउन है, ऑलमोस्ट 1,350 स्क्वायर फीट के करीब है जिसमें आपके पास 2 कार पार्किंग। एड्रेस इसका है 45 नॉट्सबेरी सर्कल और आप पिक्चर देख सकते हैं, काफी मॉडर्न एलिवेशन है इस घर का और इसके साथ आपको 2 कार पार्किंग मिलती है, एक ड्राइववे पे और एक गैराज पे और काफी स्पेसियस इसके बेडरूम्स हैं जो काफी दोनों कह सकते हैं मास्टर बेडरूम विद एनस्यूट वॉशरूम के साथ आते हैं। तो ये भी काफी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर है, जो फर्स्ट टाइम होम बायर आज की डेट में घर देख रहे हैं रेंटल से बेटर है कि ये घर अगर आप लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट वो कवर करता है। तो इसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। और इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा इसी एरिया में हम डिटैच होम भी लेके आए हैं, जो कोई भाई बहन अपना अपसाइज करना चाहता है। ये डिटैच भी सिर्फ 11 महीने पुराना है, 32 मेरीमैक ड्राइव के ऊपर और ये डिटैच का जो साइज है ऑलमोस्ट 2500 स्क्वायर फीट का है
और ये आप डिटेच की पिक्चर देख सकते हैं, ऑलमोस्ट इसका ड्राइववे अभी नया पड़ा है क्योंकि अभी 11 महीने हुए, तो बिल्डर ने सारी चीजें बाहर की अभी की हैं इसकी। और ये 4 बेडरूम अपस्टेयर्स और 3 फुल वॉशरूम, और सारे बेडरूम्स वॉशरूम के साथ एक्सेसिबल है। और मेन पार्ट जो इसका बेसमेंट की सेपरेट एंट्रेंस ऑलरेडी बिल्डर से प्रोवाइडेड है, डबल डोर एंट्री है, काफी अपग्रेड्स है जो बिल्डर से इन्होंने लिए। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या इसको घर को देखना चाहते हैं, हम इसके ऊपर ओपन हाउस भी कर रहे हैं इस सैटरडे को 1:30 to 4, कभी भी आप उस टाइम के अंदर आ सकते हैं। बाहर में अगर व्यू, बाद में अगर आप व्यू करना चाहते हैं तो हमें आप कॉल कर सकते हैं, हम आपको ये प्रॉपर्टी व्यू भी करवा सकते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करना चाहूंगा, जैसे प्रवीण जी ने बताया कि असाइनमेंट सेल में आज की डेट में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, सो हमारे पास एक काफी अच्छी प्रॉपर्टी है क्रेडिट वैली के ऊपर, 20 Fuller Street। ये घर जो है ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं एग्जैक्ट 3,000 square feet का घर है, 4 बेडरूम अपस्टेयर्स और 3 फुल वॉशरूम। जो भाई बहन लेना चाहते हैं घर और जल्दी मूव होना चाहते हैं, उनके लिए परफेक्ट बाइंग होगी क्योंकि इसकी क्लोजिंग अभी आने वाली है अक्टूबर के अंदर, और ये आपको काफी अच्छी प्राइस पे मिलेगा। कह सकते हैं जिस प्राइस पे उन्होंने लिया है, कम से कम आपको मैं बता रहा हूँ ये डील है, तो आपके लिए $2,00,000 तक की आपकी इसमें सेविंग होगी। इसके लिए भी अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कॉल कर सकते हैं, और इसके काफी सारे घर ये तैयार हो चुके हैं, आप बाहर से देख भी सकते हैं, तो इसके बारे में भी आप हमें जानकारी ले सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर है 416-910-8923। प्रवीण जी ये तो बात होगी लिस्टिंग्स की, आई थिंक काफी इन्वेंट्री हम लेके आए हैं दर्शकों के लिए, जो आपने बताया कि प्री कंस्ट्रक्शन में 3-4 ऑप्शंस इनको दिए, और इवन हमने प्री सेल में भी काफी अच्छी ऑप्शंस दी हैं। जहाँ इसके साथ दीपक मैं एक दो चीजें और भी बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, कि जैसे हम तीनों सेगमेंट्स करते हैं रीसेल, प्री कंस्ट्रक्शन और कमर्शियल भी, हमारे पास कमर्शियल में भी काफी अच्छी ऑप्शंस हैं। हमारे पास लैंड है 1 acre जो कि हेरिटेज रोड और मिस्सा अपने मेफील्ड के पास है, अगर कोई डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी है, वो सेकेंडरी प्लान में है जिसमें कि मिड राइज की ऑप्शन है, अगर आप कोई लैंड की डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। इसी के साथ एक और हमारे पास 100 acre का पार्सल आया है लैंड का, अगर आप उसके बारे में भी जानकारी चाहते हैं उसके बारे में भी हमें कॉल कर सकते हैं। कमर्शियल में दीपक अभी कल ही हमने एक गैस स्टेशन और एक 6 plex और 4 plex जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैं, जो जिनका कैश फ्लो काफी अच्छा है, वो भी हमने कल ही लिस्ट की है। और जैसे किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में भी आपको कोई जानकारी चाहिए जो आप लेना चाहें, और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की मैं दीपक को बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो जीटीए से बाहर भी काफी है जी, नॉट ओनली जीटीए, जीटीए से बाहर भी नॉर्थ बे सडबरी तक हमारे पास ऑप्शंस हैं, मतलब अगर आप किसी डिफरेंट एरिया में भी लेना चाहते हैं क्योंकि वहां पे प्राइस पॉइंट का काफी फर्क पड़ जाता है, तो हमारे पास वो भी ऑप्शंस हैं। अगर आप उस उन एरियाज में भी अगर आप कोई कमर्शियल अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो किसी भी रीसेल या प्री कंस्ट्रक्शन या कमर्शियल के लिए किसी भी चीज के लिए आपको कोई भी जरूरत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जैसे बात हम कर रहे हैं दीपक के, आज की मार्केट में बायर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, नो डाउट देर आर सम डिफिकल्ट सिचुएशंस कई लोगों के लिए सेलिंग साइड पे, बट अगर वो मतलब अपनी उन चीजों को कुछ प्राइस एडजस्ट करके बेचना चाहते हैं तो ऑब्वियसली व्हाई डोंट वो किसी बिल्डर को या किसी और को उसका बेनिफिट दे, आप लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो हमारे पास और भी काफी अच्छी इन्वेंटरी है, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आपको हमारी सारी इन्वेंटरी के बारे में काफी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। और एक चीज और है, कोई भी हमारे अगर सेलर हैं और वो इस तरह की किसी टफ सिचुएशन में हैं, उनको अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है या आगे कोई कमिटमेंट है या उनको थोड़ा मार्केट के शिफ्ट से कोई समझ नहीं आ रही या वो उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि उनका डैमेज कंट्रोल कैसे कम से कम किया जाए, तो उसके लिए भी वो हमें कॉल कर सकते हैं और हम उनको मार्केट के अकॉर्डिंग एडवाइस दे सकते हैं कि कहाँ उनको बेनिफिट है, कौन सी प्रॉपर्टी उनको कैसे एग्जीक्यूट करनी चाहिए। जी यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में, जैसे लोग सोचते हैं कि सारी रियल एस्टेट इस टाइम पे लोग सभी रुके हुए हैं, बट आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आज की डेट में भी जुलाई के महीने में 500 की ट्रांजैक्शन अभी भी ट्रांजैक्शन हुई है जुलाई के महीने के अंदर अंदर ब्रैम्पटन में, और मिसागा में भी नंबर छोटा नहीं है अगर देखा जाए 500 ट्रांजैक्शन, इट्स अ ह्यूज नंबर। बिल्कुल, मिसागा जो मिसागा का नंबर क्या है दीपक, कुछ है मिसागा का मुझे ज्यादा आईडिया नहीं, बट आई थिंक 400 के करीब, 450 मिसागा का नंबर, पर मिसागा में क्योंकि नंबर क्यों कम है थोड़ा, मैं बात कर रहा हूँ फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज की, कॉन्डो की सेल्स उसमें कॉन्डोज की सेल काफी होगी, तो आप ये देखें कि लोग तब भी प्रॉपर्टीज काफी बिकी हैं, लोग काफी एडवांटेज ले रहे हैं। कई बार क्या होता है प्रवीण जी, कई लोग क्या कहते हैं बॉटम प्रेडिक्ट करते करते वो अपॉर्चुनिटी हाथ से मिस हो जाती है। कई लोगों को जनवरी और मार्च में जब हम देखें 4% की प्राइस ग्रोथ आई है, जो लोग सोच रहे थे और नीचे जाएगी, मार्केट आई थिंक उसके बाद स्टेबल हुई है,
जो मार्केट हुई है वो अक्टूबर नवंबर लास्ट ईयर का बॉटम था, उसके बाद उतना बॉटम अभी भी गया नहीं है, इवन देन इंटरेस्ट रेट ऊपर ही गए। बिल्कुल। सो ये तो बात होगी अपॉर्चुनिटीज की और मार्केट के चैलेंजेस की। आई नो आज की डेट में बायर्स को काफी डर है, बट देखिए हर डर के आगे जीत है, तो इसकी अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाए। सो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपको इसी वक्त इसी शो में 8 से 9 बजे के बीच में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू।